हाँ तो दोस्तों कैसे हो। मैं अरसलान वापस से आ गया हूँ लेक्चर नंबर 4 लेके अपने फर्स्ट चैप्टर का लिविंग वर्ड। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया व्हाट इज लिविंग, दूसरे में हमने डिस्कस करा क्या होता है टैक्सोनॉमी, ठीक है, और तीसरे में हमने डिस्कस करा कि आर एस पिटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो जो चैप्टर 2 में दे रखा था लेकिन मैंने ये डिस्कस करा। अगला 1.3 टॉपिक नंबर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ठीक है, ये डिस्कस करने वाले। तो मैंने पहले बताया था टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि ग्रुप बनाना। ठीक है, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि दुनिया में 5 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से, प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनरा, ये 5 तरह के। लेकिन अगर टोटल 18 लाख स्पीशीज भी हैं तो 5 किंगडम में मान लो 5 हैं, 15 लाख स्पीशीज भी हैं तो 1 किंगडम में मान लो 3 लाख स्पीशीज आ जाएंगे। तो अबे मान लो मैं किंगडम नहीं पढ़ना है, प्लांट है। ठीक है, प्लांट में भी तो 2 तरह के प्लांट हो सकते हैं, एक वो जो फ्लावर देते हैं और दूसरे जो फ्लावर नहीं देते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर हमें सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जानना है, सिर्फ किसके बारे में जानना है, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, वो जो फ्लावर्स देते हैं यानी उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो हम किंगडम में तो प्लांट के अंदर फ्लावर वाले भी आ जाएंगे प्लांट और बिना फ्लावर भी आ जाएंगे, तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ जाएगा। तो हम क्या करें, कोई और छोटा ग्रुप बना दें। ठीक है, फिर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही हमें कुछ और ऐसे प्लांट पढ़ने हैं पर्टिकुलर जो पानी के अंदर फ्लावरिंग करते हैं, मान लो अज्यूम करते हैं, तो हमें और छोटा ग्रुप बनाना होगा। तो सदियों के हज़ारों साल की स्टडी में हमने टोटल कितने तरह कितने अलग अलग लेवल पर ग्रुप बना दिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने कितने ग्रुप बना दिए, 7। सबसे नीचे आता है स्पीशीज, सिंगल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बहुत सारे एक जैसे स्पीशीज को हम एक ग्रुप में बना के रख देते हैं, उसको बोलते हैं जीनस। फिर बहुत सारे एक जैसे जीनस सिमिलैरिटीज वाले को फैमिली बना देते हैं। फिर बहुत सारे फैमिली से हम क्या बना देते हैं, ऑर्डर बना देते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्डर से क्लास बना देते हैं। फिर बहुत सारे क्लास से फाइलम या डिवीजन बनाते हैं। फाइलम वर्ड एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, डिवीजन प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, सॉरी। और फिर फाइनली क्या बन जाता है, किंगडम, जो 5 है। यानी हर किंगडम को हम इतने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक बहुत समझ लो, एक किंगडम है समझ लो 10 लाख स्पीशीज है। ठीक है, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया तीन फाइलम में, मान लो समझाने के लिए 4 लाख 3 लाख 3 लाख। फिर इसको हमने फिर फर्दर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमें जितना टाइम मिला है उस टाइम के हिसाब से या तो फाइलम पढ़ लो, या तो क्लास पढ़ लो, या तो ऑर्डर पढ़ लो, या तुम्हें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लायन के बारे में, पैंथरा लियो के बारे में जानना है, तो तुम किस लेवल पे पढ़ाई करोगे स्पीशीज। लेकिन तुम्हें लायन, टाइगर और लायन, टाइगर, लेपर्ड सब के बारे में पढ़ना है, तीनों के बारे में पढ़ना है। तो तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो तीनों को मिला के हमने क्या बना दिया, एक कॉमन ग्रुप बना दिया जीनस। तो तुम जीनस के बारे में पढ़ लोगे। फिर हमने क्या किया था, जीनस में क्या बनाया, लायन, टाइगर, पैंथर को डाला। उसी तरह फिर बिल्लियों का भी हमने अलग से जीनस बना रखा है। तो बिल्लियों का जीनस और लायन, टाइगर, पैंथर का जीनस मैच कर रहा है, तो ये दोनों जीनस को मिला के हमने क्या बना दिया, फैमिली। फिर उसी तरह सारे बहुत सारे फैमिली जो मैच कर रहे होंगे, यानी फैमिली, उसी तरह हमने क्या किया था, फैमिली में क्या रखा था, बिल्लियों का जीनस और हमने क्या रखा था, बिल्लियों का जीनस और पैंथर, पैंथर का, लायन, टाइगर, इनका जीनस, ये बिल्ली वाला और लायन वाला जीनस रखा। फिर हम ऑर्डर बना रहे हैं, तो ऑर्डर में हमने क्या किया कि यार एक जीनस था किसका, कुत्तों का, डॉग्स का, तो हमने इन दोनों को मिला के फिर ऑर्डर बना दिया। तो समझ में आ रहा है, यानी जिस लेवल की स्टडी करनी है उस लेवल पे हमारे पास अलग अलग तरह के कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं। हर ऑर्गेनिज्म हर कैटेगरी में, अच्छा मैं मान लो कोई स्पीशीज है तो वो स्पीशीज लेवल में भी है कहीं ना कहीं, वो जीनस भी है, वो किसी न किसी फैमिली में भी आता है, वो किसी न किसी ऑर्डर में भी। हर एक ऑर्गेनिज्म वो एक स्पीशीज तो है, वो किसी न किसी जीनस में भी आता है, वो किसी न किसी फैमिली में भी आता है, वो किसी न किसी ऑर्डर में भी आता है, वो किसी न किसी क्लास में भी आता है, वो किसी न किसी फाइलम में भी आता है, और फाइनली कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये 5 किंगडम में से किसी एक किंगडम में तो आएगा ही आएगा आगे। तो यही क्या है टैक्सोनॉमी, इन सारे कैटेगरीज को हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। इसको याद करने का तरीका क्या है, मुझे याद नहीं होता है। देखो स्पीशीज और जीनस याद रह जाता है, क्यों याद रह जाता है, क्योंकि पहला सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या है, स्पीशीज, उससे मिलकर क्या बनता है, जीनस। या मैं जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा उसमें सिखाऊंगा कि जो नाम लिखने 2 वर्ड से मिलकर बनता है, पहला स्पेसिफिक एपिथेट और दूसरा जीनस का नाम, तो ये याद रहेगा, स्पीशीज के बाद जीनस बनता है। ठीक है, उसके ऊपर का कैसे याद करें, उसका याद करने का तरीका क्या है, कोटा पीसीओ, मैं ऐसे याद रखता हूँ, कोटा पीसीओ, यानी कोटा के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस याद है तो फैमिली है, आ गया बीच में क्या बचा, फैमिली बचा, तो कोटा पीसीओ से कॉल करो फैमिली को हैविंग सेम जीनस एंड स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये ऑर्डर हो जाएगा। आगे बात समझ में आ गई, चल आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमी। अच्छा
बहुत सारे टोटल सात हैं, तो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। साइंटिफिक नेम क्या है, टैक्सॉन, या फिर RANK रैंक, या फिर सिंपल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, सबको एक साथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और एक को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये इतना अच्छा नहीं लगता है। साइंटिफिक क्या है, टैक्सॉन और रैंक। नीट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि टैक्सॉन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। यूनिट का मतलब क्या, सबसे छोटी चीज, यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटा हिस्सा। तो भाई इतना बड़ा टैक्सोनॉमी है, तो ह्यूज टैक्सोनॉमी है, 17-18 लाख स्पीशीज, तो सबसे एक एक जीनस या एक स्पीशीज यानी टैक्सॉन ही, ये भी टैक्सॉन है, ये भी टैक्सॉन है, ये भी एक को क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। एक को क्या बोलेंगे, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, टैक्सॉन या रैंक। उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट, यूनिट क्या है, टैक्सॉन। याद रखना एनसीईआरटी की लाइन में यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सॉन है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे नीचे से ऊपर तक डिस्कस करते जाएंगे, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, जो जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एक चीज़ याद रखो, मैं छूट गया था पिछले टॉपिक में 1.2 में, जो भी टॉपिक का नाम था, 1.2 का नाम था टॉपिक का, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसमें दो चीज़ें छूट रखी हैं, एक तो नॉमेनक्लेचर छूट रखा है जो लास्ट में कराऊंगा टैक्सोनॉमिकल एट के साथ, और एक सिस्टमैटिक, मैंने बोला था डाइवर्सिटी को समझने के लिए दो चीज़ें, एक टैक्सोनॉमी और एक सिस्टमैटिक्स। पूरी बुक जो है आपकी चार चैप्टर हो टैक्सोनॉमी पे डील करती है, सिस्टमैटिक्स के बारे में थोड़ा सा दे रखा है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा क्या दे रखा है, हम क्या देख रहे हैं इस चैप्टर में, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है इसकी स्टडी कर लो, 10,000 ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी कर लो, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, तो आपस में इनका क्या रिलेशन है, आपस में ये इनका जो रिलेशन है ए का बी के साथ, सी का ए के साथ, डी का ए के साथ, या इन सब का आपस में, यानी जब साथ में रिलेशन को स्टडी करते हैं तो उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बीच में जो क्या होता है, स्टडी होती है उसकी, स्टडी कि कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक के मरने की वजह से क्या दूसरे को फर्क पड़ता है, इनको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ये नीट की बात, सिस्टमैटिक्स वर्ड जो आया है वो सिस्टेमा से आया है, और सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है, और ये जो लैटिन वर्ड है ये बुक किस बुक में लिखा हुआ था, सिस्टेमा नेचुरली, एनसीईआरटी ये दे रहा है, और शायद मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये बुक का लिखा किसने था, इस बुक को लीनियस ने, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है इसलिए इतनी घबराने वाली बात नहीं है, फिर भी लीनियस ने लिखा था, आई एम नॉट 100% श्योर, बट एक बार गूगल कर लेना। तो सिस्टमैटिक्स स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म, कौन से वर्ड से आया, सिस्टमा, ये एक लैटिन वर्ड है, और ये कौन से बुक में लिखा है, सिस्टमा नेचुरली, ये नीट का पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये सारी हमने बातें कर ली, अब हम आगे बातें करते हैं स्पीशीज। देखो आज तक स्पीशीज का 100% ट्रू डेफिनेशन कोई नहीं दे पाया, 100% ट्रू डेफिनेशन आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट डेफिनेशन है जिसको हम मानते हैं वो दिया था अर्नस्ट मेयर ने, दिया था किसने, दिया था अर्नस्ट मेयर। और अर्नस्ट मेयर को खास बात याद रखना, डार्विन ऑफ 21st सेंचुरी भी बोलते हैं, वही डार्विन बुड्ढा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपके सहूलियत के लिए, वही वाइट दाढ़ी वाले ये जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बोला था, तो अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 21st सेंचुरी का क्या बोला जाता है, डार्विन बोला जाता है। अब देखो स्पीशीज का इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया, दो ऑर्गेनिज्म जो दिखने में सेम हो, दो ऑर्गेनिज्म जो दिखने में सेम हो, जैसे मैं एक इंसान हूँ, हाथ पैर भी हैं सबके पास भी हैं, दूसरा इंसान है ठीक है उसके पास भी हाथ पैर है, अपोजिट सेक्स होना चाहिए ऑब्वियसली हमारे ह्यूमन के केस, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म जो दिखने में से क्या हो, मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, और जो क्या करें, जब रिप्रोडक्शन करें तो बच्चे पैदा हों, और बच्चे के भी बच्चे पैदा होना ज़रूरी है, मतलब समझो, अच्छे से समझाता हूँ, दो केस समझो, एक मैंने दो केस समझाता हूँ, क्या लिखा है, ऑल द मेंबर्स गेट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, वो सारे मेंबर जो अपने ही में इंटरब्रीड कर सके, अपने में ही क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, इंटरब्रीड का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ऑल द मेंबर्स गेट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, अपने में ही क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, और ये ब्रैकेट में ये बात छूट गई थी, पहले लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, एंड ऑल्सो लुक्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ऑब्वियसली दिखने में सेम होने चाहिए, All the members that can interbreed among themselves and can produce fertile offspring, यानी जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भी बच्चे पैदा करने के लायक हों, यानी मैंने क्या बोला समझो, हॉर्स है और हॉर्स का रिप्रोडक्शन कराया, दोनों दिखने में सेम है ठीक है, मान लो कोई एलियन आया है तो हॉर्स और डंकी, या कोई जाहिल अंग्रेज है, मान लो कोई अंग्रेज है ऐसी, उसको डिफरेंस नहीं पता है हॉर्स और डंकी, तो हॉर्स हॉर्स का रिप्रोडक्शन कराया, बच्चा पैदा हो गया, एक बेबी पैदा हो गया, ये ग्रो कर गया, और फिर इसने भी रिप्रोडक्शन करके एक बेबी को जन्म दे दिया, यानी ये जो बच्चा पैदा हुआ ये कैसा था, फर्टाइल था, यानी फर्टाइल का मतलब इसने बच्चे पैदा करने की काबिलियत थी,
हॉर्स डोंकी का रिप्रोडक्शन कराया, बच्चा तो पैदा हो गया, उस बच्चे को बोला म्यूल दोनों के बीच का था, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बोला प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी ये दोनों सेम स्पीशीज है, लेकिन हॉर्स डोंकी ने रिप्रोडक्शन कर लिया, बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन इस बच्चा क्या है, स्टेराइल है, तो बच्चा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन करेगा तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, इसलिए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना जरूरी है, ये स्पीशीज का डेफिनेशन था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, स्पीशीज से शुरू करके सारे ऑर्डर ऑर्डर सबको डिस्कस करते जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की सारी बातें चल रही हैं। ठीक है, सबसे पहला है नंबर वन स्पीशीज, हाँ तो हम स्पीशीज की बात कर रहे थे, स्पीशीज मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जैसे मैंगो एक स्पीशीज है या नहीं है, है, पोटैटो एक स्पीशीज है, लायन एक स्पीशीज है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, नाम लिखने का तरीका लास्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी बस जान लो मैग्नीफेरा इंडिका। उसी तरह पोटैटो का नाम क्या है, सोलैनम ट्यूबेरसम, और लायन का नाम क्या है, पैंथेरा लियो। एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, जो फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है सॉरी, वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, यानी जो बहुत सारे स्पीशीज मिला के एक जीनस बनेगा ना, तो वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है कैरेक्टर, वो स्पेसिफिक एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ तो लायन में होगा जो सिर्फ लायन में पाया जाता है, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता होगा, कुछ ना कुछ तो एक कैरेक्टर होगा जो सिर्फ पोटैटो में पाया जाता है, जो उसको पोटैटो बना रहा है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता होगा, तो ये जो सेकंड वर्ड है वो क्या बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट बताता है, कैरेक्टर बताता है, और फर्स्ट वर्ड क्या बताता है, किस जीनस से बिलोंग करता है, समझ में आया, कहने का मतलब लायन टाइगर और पैंथर तीनों को हम सेम जीनस में डाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि तीनों बहुत सिमिलर दिखते हैं, तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन तीनों क्या दिखते हैं, बहुत सिमिलर दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, इसलिए तीनों को एक जीनस में डाल सकते हैं, तो तीनों का नाम का फर्स्ट वर्ड क्या होगा, अगर लायन के नाम का फर्स्ट वर्ड पैंथरा है तो क्या टाइगर के नाम का भी फर्स्ट वर्ड क्या होगा, पैंथरा, और लेपर्ड के नाम का फर्स्ट वर्ड क्या होगा, पैंथरा होगा या नहीं होगा, बस सेकंड अगर लास्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर टाइगर का अलग होगा, पैंथर का अलग होगा, तो वो चेंज कर देंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो देखो एनसीईआरटी यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोल रहा है, ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, हर एक जीनस के पास एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट, यानी जीनस सेम होगा, ये जो चीज है वो बदल जाएगी, और रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और जैसे ये चीज़ बदली थी ऑर्गेनिज्म क्या दूसरा हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक एपिथेट बदल गया, वो स्पेसिफिक क्या है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर उसी ऑर्गेनिज्म का है, कहने का मतलब समझो पैंथरा एक जीनस है, ठीक है, एक जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, लियो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, किसका, लायन का, तो पैंथरा लियो किसका नाम हो गया, लायन का, उसी तरह पैंथरा टिग्रिस, ये टिग्रिस किसका स्पेसिफिक एपिथेट है, टाइगर का है, तो ये नाम क्या हो गया, टाइगर, पार्टस किसका है, लेपर्ड का, यानी एक पैंथरा जीनस के तीन अलग अलग स्पीशीज हो गए, यानी यही बोल रहा है एनसीईआरटी, ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट करेगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, आगे ये याद रखना है, पैंथरा लियो मतलब लायन, पैंथरा टिग्रिस मतलब टाइगर, पैंथरा पार्टस मतलब लेपर्ड। आगे देखते हैं होमो, अब अपनी बात कर लेते हैं, हम तो ऐसे होमो सेपियंस सेपियंस है, लेकिन फिर भी सेक ऑफ द कन्वर्सेशन आपको कुछ नहीं मालूम है फिलहाल, और नहीं मुझे, तो होमो सेपियंस यानी हम ह्यूमन और होमो इरेक्टस जो आदि मानव है, गूगल करके देख लेना, दोनों काफ़ी सिमिलर दिखते हैं, लेकिन है तो दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म ना, तो होमो सेपियंस होमो इरेक्टस। उसी तरह सोलैनम एक क्या है, जीनस है, सोलैनम में आगे ट्यूबेरसम लगा दो तो ये क्या बन जाता है, पोटैटो, अगर निगरम लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, मोपाई, अगर मिलन जीना लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, ब्रिंजर, यानी इन तीनों सब्जियों में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए तीनों के तीनों कौन से कैटेगरी, सेम जीनस में आते हैं सोलैनम। आगे बात समझ में, ये थी स्पीशीज की बात, जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो पॉज करके।
तो अभी अपने केस की बात कर ली, स्पीशीज की बात कर ली, तो अब दूसरा किसकी बात करेंगे, जीनस की बात करेंगे। अभी थोड़ा सा बताया, जब एक जैसे बहुत सारे स्पीशीज जिनके कैरेक्टर सेम है उनको एक ग्रुप बना देते हैं, यानी कहने का मतलब एक जीनस बनाना है तो स्पीशीज ए ले लिया, स्पीशीज बी, स्पीशीज सी ले लिया, स्पीशीज डी ले लिया, चार स्पीशीज थे, इनके कैरेक्टर आपस में सेम थे तो इन सबको मिला के एक जीनस दे दिया और इस जीनस का कुछ नाम दे देंगे। अभी भी हमने देखा दो जीनस का एग्जांपल, एक जीनस का नाम क्या है, पैंथरा, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, पैंथरा टिग्रिस आता है, पैंथरा लियो आता है और पैंथरा पार्डस आता है। टिग्रिस मतलब टाइगर, लियो मतलब लायन और पार्डस मतलब क्या हो जाएगा अपना लेपर्ड। उसी तरह हमने एक और देखा सोलैनम, सोलैनम में क्या आते हैं, तीन ट्यूबरसम नाइग्रम, अभी पीछे स्पीशीज में सारे नाम अच्छे से लिख दिए इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, और नाइग्रम और क्या था तीसरा मेलनचेना, क्या था मेलनचेना। तो ये एक पैंथरा एनिमल का जीनस हो गया एक एग्जांपल, और सोलैनम क्या है प्लांट का जीनस। एक जीनस और दे रखा है, जीनस का नाम है फेलिस, याद रखना फेलिस, फेलिस इज अ जीनस ऑफ कैट, यानी किस जीनस में अलग अलग तरह के कैट्स को रखते हैं, तो जीनस ऑफ कैट फेलिस। यानी देखो पैंथरा लायन टाइगर वाले जो मौसी वौसी वाला यहाँ पे खेल नहीं हो रहा है, बिल्ली मौसी होती है शेर की, ये सब बकवास बात है। पैंथरा एक अलग जीनस है जिसमें लायन टाइगर और पैंथर है, और फेलिस एक अलग जीनस है जिसमें क्या है कैट्स है, क्या है कैट्स है, ठीक है। चल कॉपी कर लो, अब आगे बात करते हैं तीसरा स्पीशीज जीनस और फैमिली, तीसरा क्या आएगा फैमिली आएगा। तो अपना तीसरा क्या है फैमिली, ठीक है। तो फिर फैमिली भी वापस बहुत सारे जो जीनस है जिनके कैरेक्टर सेम हो रहे होंगे, जैसे मान लो जीनस ए है, जीनस बी है और जीनस सी, तीन जीनस हैं और इन तीनों के कैरेक्टर्स काफ़ी सेम है, यानी इन जीनस सी में जो दो तीन ऑर्गेनिज्म है, इसमें दो तीन ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो है उन सब में आपस में अच्छी खासी सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है समझो। तो ये तीन जीनस को मिला के क्या बन जाएगा, वन कॉमन फैमिली बन जाएगा, वन कॉमन फैमिली। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक जीनस बात करी थी जीनस पार्डस, ठीक है, इसमें लायन टाइगर और लेपर्ड थे, और एक जीनस मैंने बात करी थी फेलिस, ये दो अलग अलग जीनस हैं, ये जीनस पार्डस और ये जीनस फेलिस, इन दोनों को मिला के एक हमारा क्या बना फैमिली बना, उस फैमिली को बोलते हैं फेलिडी शायद, क्या बोलते हैं फेलिडी, फेलिडी। तो ये एनिमल का एक फैमिली का भी एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह एक होता है फेलिडी, ये इसमें इसमें क्या आ रहे हैं लायन टाइगर बिल्ली बिल्ली सब आ गए, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल एक और एनिमल में दे रखा है कैनिडी, स्पेलिंग गलत हो सकता है कैनिडी, ये क्या है फैमिली ऑफ डॉग है, ये क्या है फैमिली, इसमें डॉग्स की फैमिली, इसमें डॉग्स अलग अलग तरह के हर तरह के जो भी डॉग से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है डॉग्स वगैरह है वो कैनिडी में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेलिडी फेलिस कैनिडी, ठीक है। आगे प्लांट की भी बात कर लेते हैं, तो हमने देखा था एक सोलैनम जीनस के बारे में हम बात कर रहे थे, जीनस ए सोलैनम के बारे में भी बात करा है, इसके अंदर तीन एग्जांपल दिए थे पोटैटो मकॉय और मेलनचेना जो भी था। तो सोलैनम एक जीनस प्लस एक और इसमें पेट्यूना और दतूरा, पेट्यूना दूसरा जीनस इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे और तीसरा दतूरा इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, इन तीनों को मिला के एक वन प्लांट का एक कॉमन फैमिली बनता है, उसको बोलते हैं सोलेनेसी फैमिली, क्या बोलते हैं सोलेनेसी फैमिली। जब मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में आप पढ़ रहे होंगे तो सोलैनम के अंदर जितने स्पीशीज हैं, पेट्यूना के अंदर जितने एग्जांपल दे रखे हैं, दतूरा के जितने एग्जांपल दे रखे हैं, सबको एक साथ याद कर लेना, वो मॉर्फोलॉजी में मैं लिंक करवा दूंगा इस वाले टॉपिक को और मॉर्फोलॉजी में। इसको क्या बोलेंगे सोलैनेसी, यानी एनिमल में दो फैमिली याद रखेंगे आपको, फेलिडी पार्डस और फेलिस की, कैनिडी फैमिली ऑफ डॉग, और प्लांट में एक याद रखें सोलैनेसी, इसके अंदर क्या क्या आते हैं सोलैनम पेट्यूना और दतूरा। अब अगला फैमिली के बाद क्या आता है हमारा ऑर्डर आता है, क्या आता है ऑर्डर आता है, ऑर्डर की बात करेंगे तो बहुत सारे फैमिली जो जिनमें कैरेक्टर्स बहुत सारे फैमिली को मिला के क्या बनेगा एक ऑर्डर बनेगा। लेकिन एनसीईआरटी कमाल की बात बोल रहा है नीट के लिए, ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑर्डर उसके ऊपर जो भी कैटेगरीज हैं क्लास फाइलम डिवीजन किंगडम जो भी हैं, ऑर्डर्स एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ से ऑर्डर से ऊपर ऑर्डर और ऑर्डर से ऊपर बनाने के लिए ग्रुप बनाने के लिए एक दो कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे कैरेक्टर को देखना होगा। अगर सिंपल शब्दों में बोलेंगे तो
क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो सिमिलैरिटीज कैरेक्टर में घटती जाएगी। फॉर एग्जांपल भाई बिल्ली और टाइगर में तो तुम सिमिलैरिटीज देख सकते हो, लेकिन हमने बिल्ली टाइगर और डॉग को भी एक ही साथ फैमिली में डाल दिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक ही ऑर्डर डाल दिया, फेलिडी, फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली, यानी बिल्ली की फैमिली टाइगर की फैमिली को हमने डॉग की फैमिली के साथ मिला के एक ऑर्डर बनेगा कार्निवोरा। समझ में आ रहा है? तो यानी बिल्ली और टाइगर वाइगर में तो सिमिलैरिटीज दिख रही थी, समझ में आ रहा था, लेकिन अब डॉग डॉग और इनको रिलेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सिमिलर, बहुत सारे कैरेक्टर को देखना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत कम सिमिलैरिटीज दिखेंगी। यानी कह सकते हैं मतलब किंगडम कोटा पी सी ओ फैमिली जीनस स्पीशीज, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नीट का पॉइंट है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं, यानी जीनस में ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर सिमिलर होंगे या किंगडम में ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में। अरे किंगडम में कुत्ता बिल्ली शेर भालू इंसान सब आ गया, मछली वछली सब आ गई, लेकिन जीनस में क्या है? शेर टाइगर और लायन है। तो सिमिलर कैरेक्टर जीनस में ज्यादा है किंगडम में? बताओ, जीनस में। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी मैं कह सकता हूं ऊपर से नीचे जाने में, यानी कह सकता हूं मैं जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ऊपर से जब नीचे आ रहा हूं तो कैरेक्टर बिकम मोर स्पेसिफिक, यानी बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर बिकम मोर स्पेसिफिक, या जनरल कैरेक्टर बहुत कम मिल रहे हैं, लेस जनरल और लेस जनरल। यानी कि अब ये लाइन समझ में आ रही होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑर्डर या उसके ऊपर के कैटेगरीज में तो बहुत ही फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, और इसलिए क्योंकि बहुत कम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है तो एग्रीगेट्स बहुत सारे कैरेक्टर को बेस बनाना होगा एक ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर, जैसे हमने अभी सोलेनेसी फैमिली के बारे में जाना, तो सोलेनेसी फैमिली में कॉन्विलेसी फैमिली को ऑर्डर ऐड कर दो तो जो ऑर्डर बनेगा प्लांट का वो ऑर्डर कहलाएगा पॉलिनोमियल। और ये इंपॉर्टेंट नीट की बात बता रहा हूँ, नीट की बात एनसीईआरटी में दे रखी है, ये किसके बेसिस पे है? फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? अगर कोई एग्जाम में पूछ ले नीट में कि जो पॉलिनोमियल ऑर्डर है उसका मेन बेसिस क्या है, तो एनसीईआरटी बता रहा है मेन बेसिस क्या है? फ्लोरल कैरेक्टर्स। यानी एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ और बात बोल रहा है, उसके ठीक नीचे बोल रहा है कि जो पॉलिनोमियल है सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे बना है, फ्लोरल कैरेक्टर। तो एनसीईआरटी गलत बोले सही बोले कुछ भी बोले, बस हमको उसको फोकस करना है। यहाँ से भी नीट का क्वेश्चन बनता है और ये तो बहुत अच्छा नीट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसी तरह हमने देखा था फेलिडी फैमिली थी और एक कैनिडी फैमिली थी, डॉग की फैमिली थी और बिल्ली मौसी और लायन टाइगर की फैमिली थी, इन दोनों में क्या कॉमन क्या है? अरे सब मांसाहारी है या नहीं है, मांस मांस खाते हैं या नहीं, तो क्या बना दिया? ऑर्डर कार्निवोरा। ये चीज़ याद रखना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। या कैसे उसका उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो कैरेक्टर क्या होगा? मोर स्पेसिफिक होगा। यानी यहाँ पे जीनस में ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाएंगे एज कम्पेयर टू ऑर्डर, उसी तरह ऑर्डर में ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पाए जाएंगे एज कम्पेयर टू फाइलम, या आप कह सकते हैं लेस जनरल कैरेक्टरिस्टिक लेस स्पेसिफिक कैरेक्टर ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी नीट का बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है, ये भी एनसीईआरटी के लाइन में आपको कहीं पर दे रखा है। देखो लाइन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 10 में आपके एकदम लास्ट लाइन में दे रखा है, देखना लास्ट लाइन में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। द नंबर एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो डिक्रीज होने लगेगा। लोअर द टैक्सा, लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सन सेयर, ज़्यादातर बहुत सारे कैरेक्टर, यानी जीनस में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे ऑर्गेनिज्म के, लेकिन फाइलम में कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे। जैसे यहाँ पर इन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक सेम क्या है? दोनों मांस खाते थे, बस कैंड नहीं बोला, तो कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर के बाद हम क्या कहाँ पे पहुँचेंगे? ऑर्डर के बाद हमारा आएगा क्लास, ठीक है। तो हेडिंग डालो क्लास, तो हमने क्लास
अब हमें क्या इसके बात करनी है, क्लास के बारे में, ठीक है। तो क्लास वापस किससे बनेगा, अलग अलग ऑर्डर से। तो हमने कार्निवोरा ऑर्डर देखा, तो ऑर्डर कार्निवोरा में ऑर्डर प्राइमेटा ऐड कर दो, तो जो क्लास बनेगा मैमेलिया बनेगा, ठीक है। मैमल्स जैसे हेयर होते हैं, दूध देना, बच्चे पैदा करना, तो कार्निवोरा के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। तो प्राइमेटा में क्या आते हैं, प्राइमेट्स जैसे ह्यूमंस, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स, ये एग्जांपल दे रखे हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स, ह्यूमंस भी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्या आ जाएगा, फाइलम, प्लांट का केस नहीं दे रखे क्लास में, ठीक है। फिर आ जाएगा फाइलम, और डिवीजन किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट के लिए, लेकिन डिवीजन का भी एग्जांपल नहीं दे रखा है। तो फाइलम में आपने दे रखा है कॉर्डेटा, एक एग्जांपल दे रखा है कॉर्डेटा। ये इसमें कॉर्डेटा बनने के लिए क्या होना जरूरी है, नोटोपॉड होना जरूरी है, और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम भी फिलहाल के लिए एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा है, तो आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन कर लूँगा। नोटोपॉड जैसे नर्वस सिस्टम वगैरह कर रहे होंगे तब पता चल जाएगा नोटोपॉड क्या है और न्यूरल सिस्टम क्या है, और डॉर्सल का मतलब भी पता चलेगा। यानी जो कॉर्डेटा बना है फाइलम, वो किसके बेसिस पे बना है, नोटोपॉड और डॉर्सल ह्यू। अगर ये दो क्राइटेरिया चीज़ें हैं ऑर्गेनिज्म में, तो उसको किसमें डाल देंगे, फाइलम में, कॉर्डेटा में। इसमें अंदर क्या क्या आते हैं, जो मैमल्स हमने देखा था, ठीक है, वो मैमल क्लास जो देखा था, इसके अंदर के सारे ऑर्गेनिज्म प्लस एम्फीबियंस डाल दो जो दोनों जमीन पानी में रहे, फिशेस डाल दो, रेप्टाइल्स डाल दो, लिजर्ड वगैरह और पंछियाँ डाल दो, इन सबको मिला के क्या बनता है, कॉर्डेटा। देखो कॉर्डेटा कितना बड़ा हो गया, और फिर सारे जानवर को मिला के क्या बन जाएगा, एनिमेलिया बन जाएगा। तो ये था हमारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अगले क्लास में हम टैक्सोनॉमिकल एट देखेंगे, और बायनॉमिकल बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, और चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। तो मजे करो फिर।